हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ऑन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण सोनी। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? आई होप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं, और जैसा कि लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर हमने सुबह अपलोड किया था उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि कैसे नोमेनक्लेचर था, कैसे ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, कैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर था। आज उसी तरह हमारा नेक्स्ट लेक्चर चलेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के लिए। तो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बिल्कुल सिंपल है, आसान सा है, हम दोनों यहां पर करेंगे। तो अपने नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ ताकि आसानी से हम इसको स्टडी कर सके। तो अगर मैं पहले मेथड की बात करूंगा तो ये बनेगा हमारा एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से कैसे हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की प्रिपरेशन करेंगे? तो अगर मैं बात करूंगा यहां पर, ये दिया है एल्काइल हैलाइड। मैं एक पहले स्केलेटन रिएक्शन दिखाता हूं आपको, क्या स्ट्रक्चर होता है रिएक्शन का, फिर हम एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। और ये मुझे आर दो लगाने हैं, है ना, आर टू गाड़ी हमें बनाना है। दो मॉलिक्यूल यूज करोगे, डाल दीजिए दुख को, दो मॉलिक्यूल दिख के भी हमने डाल दिए यहां पर। अब देखिए आगे होगा क्या, क्योंकि सारी की सारी कहानी यहीं पर आती है, क्या से क्या कुछ यहां पर होगा। अगर मैं आगे बात करूंगा तो यहां पर जिनका एक ही मॉलिक्यूल लेके चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये लिखिए। तो यहां पर रिएक्शन होगी, बनाना क्या है, आर टू बनाना है, दो आर हमारे पास है, ये लीजिए आर टू, ठीक है। और एक जिंक ऐड करना है, जिंक घेरा, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है आर टू जगह। आई बचता है, आई कितने हैं, दो है, ये किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, आई टू फॉर्म में। दोबारा सुन लीजिए, दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के लीजिए, एक मॉलिक्यूल जिंक का लीजिए, और प्रेजेंस होगी यहां पर डिस्टिल्ड CO2 की, डिस्टिल्ड CO2। जैसे ही दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे डिस्टिल्ड CO2 की प्रेजेंस में, तो हमें देखने को मिलेगा R2। बताया था ना जो ऊपर हो नीचे ले जाओ, R था दो नीचे से ले जाएंगे R2। जेड ऐसे कैसे, आई दो थे तो नीचे से ले जाएंगे आई टू। ये था हमारा पहला मेथड एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का। और आपको इतनी सी बात बता देता हूं कि जो हमारी रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के अंदर ये आती है, ये हमारी जो रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के अंदर आती है। अगर मैं आगे बात करूंगा यहां पर आगे अगर मैं लेके चलूं, देखिए दो मॉलिक्यूल है मैंने लिया यहां पर सीएसएल क्लोराइड, यानी मिथाइल आयोडाइड में लेके चला, रिएक्शन कराई मैंने जिंक के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिल CO2 सेम रहेगा। तो दो सीएसएल है, ये लीजिए सीएसएल के दो हो जाएंगे, ठीक है। एक जिंक लगाना है, जिंक लगा दीजिए, और क्या बचेगा आई टू, यानी क्या बन जाएगा डाई मिथाइल जिंक की यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, देखने में बड़ी सिंपल लगती है, आसान सी रिएक्शन तो बहुत बार बच्चे इनको छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे क्वेश्चन पेपर आते हैं यूनिवर्सिटीज के, तो वहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए चार पांच ऑर्गेनिक रिएक्शन दे देते हैं, कहते हैं रिएक्शन बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन है जो वहां पर पूछ ली जाती है। तब तक बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से हम कैसे बनाएंगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। अब तो उसको नोट कर लीजिए, मैं कराता हूं आगे, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से हम कैसे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाएंगे, ये भी अभी हम देखने जा रहे हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब तो ये बात सबको पता है, जो हमारा एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है, देखिए C2H5 एल्यूमिनियम, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन
पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। एक बात बताता हूँ, जो एल्यूमिनियम ऑर्गेनोल्यूमिनियम हमारे कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये एक्ट करते हैं एज एन डाइमर। तो यहां पर ये दो होंगे हमारे डाइमर होगा ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम कंपाउंड का, और यहां पर साथ में रिएक्शन होगी जेड एन सी एल टू की। देखिए बच्चों हमें बनाना क्या है, यहां से दो निकालने है ना, ये तो दो निकालने हैं, दो से जो है चार बच रहे हैं, चार बारे निकालना कैसे करोगे। प्रोडक्ट तो हमारा बन चुका है, ये लीजिए सी टू एच फाइव है ना, ये दो सी टू एच फाइव टू और ये दो जेड एन, ये बन चुका है हमारा प्रोडक्ट। दो सीएल बचते हैं और एक एल्यूमिनियम बचता है और चार मॉलिक्यूल सी टू एच फाइव के बचते, कीजिए अरेंज कैसे करोगे। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, करके देखिए। देखिए बच्चों यहां पे लेता हूं सी टू सेट चार बचते हैं, ठीक है ये लो देखो सी टू एच फाइव, ठीक है और क्या बचता है एल्यूमिनियम बचता है, ठीक है एल्यूमिनियम कितने हैं बच्चों दो है, तो दो बता दीजिए ये लो दो एल्यूमिनियम पूरे हुए ना। सी टू एच फाइव कितने बचे थे, छह थे, दो यहां पर यूज हुए चार बचे, तो ये लीजिए ये चार पूरे हो जाएंगे और क्या बचा सी एच सी एल कितने बचे दो, ये लो एक सी एल यहां पर लगा दीजिए, ये दो सी एल यहां पर पूरे हो जाएंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा मेथड कैसे हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूं आपको, सबसे पहला मेथड है एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड यूज कीजिए जो आपकी मर्जी है। मैंने आई का यूज इसलिए किया क्योंकि तो मैंने बताया था आपको कुछ लेक्चर से पहले भी लेक्चर से कि आर आई सबसे बड़ा बोन है, आसानी से टूटता है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप सी एल यूज कीजिए, बी आर यूज कीजिए, रिएक्शन हो जाएगी, बस वहां पर बी आर टू या सी एल टू निकल जाएगा। सी एच थ्री आई दो मॉलिक्यूल लेने हैं, एक डालना है, बनेगा क्या आर टू जेड एन, तो सी एच थ्री ये दो थे और एक जेड एन था, दो आई बचे, आई भी निकल जाएगा डाइमिथाइल जिंक, और नीचे बना दिया हमने डाइमिथाइल जिंक, ठीक है एंजाइम नाम लिख देता हूं डाइमिथाइल जिंक। नीचे क्या किया ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, लेकिन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड डाइमर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो हमारे कैसे कंपाउंड है एक्ट करेंगे एज एन डाइमर। सिक्स सेवन में पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, अगली बार पढ़ाऊंगा टेंशन मत लो। सी टू एच फाइव थ्री ए एल, ए एल थ्री पॉजिटिव होता है तो तीन नेगेटिव लेके तो पहले समय के लिए लेके आया उसको, और डायमंड में ऐड करेंगे तो दो होंगे, ऐड क्या करोगे ZnCl2 जिंक क्लोराइड, बनेगा क्या छह है ना C2H5, दो निकाल लीजिए C2H5 टू जिंक जोड़ दीजिए, क्या बचा चार को C2H5 ले लिख दीजिए उस तरफ टू CH2H5 टू चार यूज हो जाएंगे। एल्यूमिनियम दो है आगे एक है लिख दीजिए क्योंकि आगे दो है, Cl2 Cl लिखिए दो हो जाएगी, तो सारी हमारी है बैलेंस भी होगी साथ के साथ। तो ये थे बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो बच्चों एक बार करके देखिए कोशिश, बिल्कुल आसान है, मजे में समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है, कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ जाओगे, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चले, उन बच्चों को भी पता चले कितने आसान तरीके से केमिस्ट्री हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल मजे से। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वन टू थ्री टेक द स्क्रीनशॉट।